हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनाल्जेसिक पार्ट टू है, जिसमें हम बात करेंगे पैरासिटामोल। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया है कि एनाल्जेसिक क्या होते हैं, और फिर वो उनके जो तीन टाइप है वो भी बताए थे कि यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी हम जो है इनको डिवाइड कर सकते हैं इंटू थ्री। के जो अगर हम जो एनाल्जेसिक है वो यूज कर रहे हैं फॉर माइल्ड माइल्ड पेन रिलीफ के तौर पर, तो उसको हम पैरासिटामोल कहते हैं। और अगर हम मॉडरेट के लिए यूज करते हैं तो इबुप्रोफेन यूज कर सकते हैं, और अगर सिवियर के लिए तो ओपियोइड, या जिसे हम मॉर्फिन है उस पे बात करेंगे। तो सबसे आज जो हम बात करेंगे यहाँ इस वीडियो में, हम बात करेंगे पैरासिटामोल। पहले इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि पैरासिटामोल क्या होते हैं, और इसके बाद हम इसके सिंथेसिस पे डिटेल से बात करेंगे। तो फर्स्ट जो है क्या है कि पेरिसिटामोल और एसिटामिनोफेन इज अ वेल नोन एंटी पायरेटिक एंड एनाल्जेसिक मेडिकेशन अवेलेबल फॉर मेनी ईयर्स फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंट्रावेनस इन्फ्यूजन वाज हैम्पर्ड बाय वाटर इनसॉल्युबिलिटी। दिस ड्रग इज यूज टू ट्रीट माइल्ड और टू मॉडरेट पेन एंड रिलीफ फ्रॉम फीवर, फॉर एग्जाम्पल हेडेक, टू टेक कंट्रोल ऑफ फीवर, हाई टेम्परेचर। इट्स प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन इज कंसिडर्ड टू बी इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। हार्मोन नॉर्थ्रोप मोर से फर्स्ट सिंथेसिस पैरासिटामोल बाय रिडक्शन ऑफ पैरानाइट्रोफिनोल विद टिन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड इन 1879-70। हाउएवर पैरासिटामोल वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू मेडिसिन बाय हेनरिक ड्रेजर in 1999। तो इस इंट्रोडक्शन में दो तीन बातों पे, मतलब कि यहाँ पे तीन बातें बताई गई है कि फर्स्ट जो है ये एंटी पायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है, और मॉडरेट टू माइल्ड टू मॉडरेट पेन रिलीफ के लिए और फीवर के लिए यूज होता है। और एग्जांपल भी दी गई है कि जिस तरह सर दर्द है या कोई दांतों का दर्द है, और इसी तरह अगर फीवर हाई टेम्परेचर का कंट्रोल करना है तो ये मेडिसिन हम ले सकते हैं। इसका प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन जो है, ये तो हम डिटेल से हम इस पे बात करेंगे जब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, एक जो पूरा टॉपिक है वहाँ पर हम इस डिटेल से बात करेंगे कि ये कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो एक्चुअली क्या है वो वहाँ पे हम उसी में हम टॉपिक इस टॉपिक में हम सेकेंड वे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम वहाँ पे बात करेंगे। इसके सिंथेसिस पे बात की कि मोर्से ने फर्स्ट इनको मतलब के सिंथेसाइज किया, किसे, पैरानाइट्रोफिनोल लिया विद टिन ग्लेशियल एसिटिक एसिड और 1878 में, और ये इंट्रोड्यूस कराया मेडिसिन में मार्केट में हेनरिक ड्रेजर ने इन 1899। ये तीन बातों यहाँ पे मतलब के थोड़ा बहुत इनके इंट्रोडक्शन कराया। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो है वो आप आते हैं चले आते हैं हम किसकी तरफ, इनके सिंथेसिस की तरफ। तो सिंथेसिस में क्या होता है कि फर्स्ट हम नाइट्रेशन पे बात करेंगे कि OH जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, या हमेशा जब कोई दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे जो टॉट की स्टडी है वो है पैरानाइट्रोफिनोल। फिर नाइट्रोफिनोल हम अगर लेते हैं तो इसकी रिडक्शन हम करा सकते हैं किसी भी मतलब है कि रिड्यूसिंग एजेंट, सिरा सोडियम बोराइड या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कुछ में से कोई भी आप लोग मेटल ले सकते हैं, उसमें से मतलब है कि टिन भी ले सकते हैं, आयरन भी ले सकते हैं, इसी तरह कोई भी आप लोग प्लाटिनियम भी यूज कर सकते हैं, तो उसके नाइट्रेशन के लिए हम प्लाटिनियम भी यूज कर सकते हैं। तो ये जब नाइट्रो पैरा नाइट्रोफिनोल से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पैरामाइनोफिनोल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे जो NH है यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे रिएक्शन होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज इलेक्ट्रोफिलिक साइट, और फिर यहाँ से कि इस मा ये मॉलिक्यूल जो है इन द लिविंग ग्रुप फॉर्म में निकल जाएगा। तो ग्लिशियल एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं तो इसी तरह इनकी एसिटाइलेशन होगी, तो इसको पैरासिटामिनोफिन फीन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम पैरासिटामोल कहते हैं। उनका जो मैकेनिज्म है वो क्या है कि सबसे पहले हम लेंगे क्या नाइट्रेशन, नाइट्रेशन की बात करेंगे। नाइट्रेशन में हम सबसे पहले नाइट्रोनियम आयन लेंगे, तो वो नाइट्रोनियम आयन कैसे जनरेट करते हैं आए देखते हैं कि वो कैसे यानी कि हम उसको जनरेट करते हैं। तो नाइट्रोनियम आयन एज एन इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड बाय प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड देन बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिजल्टिंग अ नाइट्रोनियम आयन। के यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेन लोरी थ्योरी के मुताबिक
ये एक्ट कर रहा है एज ए बेस, क्योंकि प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा है और ये प्रोटॉन डोनर के तौर पर काम कर रहा है। तो ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड है और ये बेस के तौर पर काम कर रहा है, और यहाँ एज ए रिजल्ट हमें ये इंटरमीडिएट मिलता है। और फिर यहाँ से जो इसका नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ वाटर एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, और हमें एज अ रिजल्ट हमें नाइट्रोनियम आयन मिल जाता है। और ये नाइट्रोनियम आयन एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। फिर ये एक डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड सेकेंड स्टेप में हम फिनोल लेते हैं, तो फिनोल का डबल बॉन्ड इन द फिनोल, जो फिनोल है, फिनोल के जो डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा, फिनोल का अटैक करेगा द नाइट्रोनियम आयन एट द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पे ये अटैक करेगा, और एज अ रिजल्ट यहाँ पे हमें अ न्यू बॉन्ड डेवलप हो जाएगा बिटवीन बिटवीन नाइट्रो बिटवीन बिटवीन फिनोल एंड नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोजन एटम ऑफ नाइट्रोनियम आयन द हाइड्रोजन एटम। फिर यहाँ पे जिसका हाइड्रोजन एटम है जो बेंजीन का है, बेंजीन की जिसम, ये जो फिनोल का मतलब कि बेंजो बेंजीन या इसका जो हाइड्रोजन एटम है, ये दोबारा ये दो इलेक्ट्रॉन दे के वापस अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है। इसका तो अपना इलेक्ट्रॉन पास ही होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, वापस बैक दे देता है बेंजीन रिंग को। तो इस तरह रीअरोमेटाइज्ड हो जाता है, तो बेंजीन रिंग टू रिप्लेस द ओरिजिनल डबल बॉन्ड। तो इसी तरह यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम होता है बॉन्ड टू द बेंजीन गिव इट्स टू इलेक्ट्रॉन, तो वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वहाँ पे इनके कार्बन के साथ ये शेयर कर देते हैं, तो इसी तरह ये दोबारा रीअरोमेटाइज हो जाता है। तो इसी तरह नाइट्रोजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद रिडक्शन की बात करेंगे, कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रोफिनोल इनटू अमाइन फिनोल कैसे होता है, कि यहाँ पे कि ये एराइल ग्रुप हमने लिया है, इसको हमने सिर्फ एज ए फिनोल लिया हुआ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, होमोलिटिक लिवेज होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपना वापस ले रहा है जिसने शेयर किया था, और ऑक्सीजन को ये वापस दे रहा है। लेकिन यहाँ से बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ रहा है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पर कोई चार्ज में नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसका अपना इलेक्ट्रॉन था, इसने वापस लिया, तो इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। फिर सेकेंड टाइम क्या होगा कि ये जो एच है, ये यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस एच को पिक कर लेगा, तो ये एज ए बेस काम करेगा, और ये एज एसिड, तो ये ओ एच हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसके फ्री रेडिकल के साथ क्या वो मतलब कि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये इसने इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है जो उसने पहले लॉस किया हुआ था वो गेन कर लेता है, और ये न्यूट्रल फॉर्म में चला जाता है। फिर यहाँ से एक जो है मतलब एक नेगेटिव चार्ज ये डाइवर्ट होता है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और ये जो ओ एच है ये निकल जाता है, और ये एच को पिक कर लेता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाता है, तो नाइट्रोसो इंटरमीडिएट जनरेट हो जाता है। फिर नाइट्रोसो को ऑक्सीजन पे दोबारा यहाँ पे होमोलिटिक लिवेज हो जाती है, होमोलिटिक लिवेज के रिजल्ट में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आपस में वापस ले रहे हैं, और ये इनके एक यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, उसमें नेगेटिव चार्ज हो गया, इसके तो अपने ही इलेक्ट्रॉन इनके फ्री रेडिकल फॉर्म में आ रहा है एच है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाता है, और फिर यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, एच ये पिक कर लेता है। तो इसी तरह दो इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं और दो हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो दो हाइड्रोजन आने का मतलब ये कि एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाता है और एक हाइड्रोजन इसके साथ, और ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल आता है, और ये क्या हो जाता है कि नाइट्रो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इंटू अमाइनो फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा मैकेनिज्म ये है कि फर्ज करिए ये हाइड्राइड ये आ रहा है, देखें ये हाइड्राइड आ रहा है, इस एच के साथ ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर लेगा, तो ये इनके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये कंप्लीट पेयर आ गए इनकी तरफ, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और फिर यहाँ से एक एच इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन प्लस इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन इस पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि इसे एक एच इधर से रिमूव हो जाएगा और इधर ओ एच रिमूव हो जाएगा, तो वाटर निकलेगा और नाइट्रोसो जनरेट होगा। तो नाइट्रोजन के साथ फिर दोबारा यही कि नाइट्रोजन अब यहाँ पे जो हाइड्राइड शिफ्ट होगा वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, और ये दूसरा हाइड्रोजन है वो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो इसी तरह लास्ट पे हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयन ओएच के साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ से जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकलेगा और हाइड्राइड इस पे अटैक करेगा, और ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर इसको निकाल देगा। तो ये दोनों मैकेनिज्म जो है रिडक्शन के वो यहाँ पे बताए गए। इसी तरह
इसकी स्टाइलेशन है तो आप पैरा अमाइनो फिनोल की। तो यहाँ जो ये अमाइनो ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एड करेगा और इसको इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एड करेगा। यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और फिर ये दोबारा रिवर्ट होगा। ये बॉन्ड तो इस वाले को निकाल देगा और एज अ रिजल्ट यहाँ पे स्टाइलेशन होगी, जो हमारा प्रोडक्ट था वो बन जाएगा। और यहाँ पे क्या करेगा, ये किसी सॉल्वेंट से एच को पी कर लेगा और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो इनके सिंथेसिस। और इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि टेकिंग टू मच पेरिसिटामोल में रिजल्ट इन लिवर डैमेज, ये लिवर को डैमेज कर सकता है, तो इसलिए ज्यादा नहीं लेना चाहिए। दिस कैन कॉज नोजिया, फीलिंग सिक एंड वोमिटिंग, बींग सिक, बट लास्ट अराउंड 24। इन एक्सट्रीम केसेस टेकिंग टू मच पेरिसिटामोल में लेड टू इंसेफेलोपैथी, प्रॉब्लम विद द ब्रेन फंक्शन, ब्रेन फंक्शन के भी ये डैमेज कर सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये था। आपका आज के जो वीडियो है वो यहाँ तक आप लोगों को मिलेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक जो है एनाल्जेसिक मॉर्फिन है, उस पर उसके इंट्रोडक्शन पे भी बात करेंगे और साथ साथ उसके सिंथेसिस पे भी बात करेंगे। स्टूडेंट होपफुली आपको समझ आ गई होगी, ये जो मैंने जितना भी आप लोगों को यहाँ पे अभी शेयर किया है। तो आप लोग पढ़ें देखें, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करें, शेयर करें। आप कोई भी मसला हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।